खबर बाबा के गढ़ उत्तर प्रदेश से है, जहां क्राइम को कंट्रोल करने के तमाम दावों के बीच लखनऊ का ही इंदिरा नगर इलाका एक सनसनीखेज वारदात से दहल उठा। घटना के बारे में जिसने सुना वो सन्न रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से रेप और हत्या के आरोपी का नाम शाहिद बताया जा रहा है। लड़के पर आरोप है कि पहले उसने घर में घुसकर लड़की के साथ रेप किया, इसके बाद सिर पर हथौड़े से वार कर उसे उसी के घर में फंदे से लटका दिया। क्या हुआ, कैसे पता चला और अब पुलिस क्या कर रही है, और क्या लड़के और लड़की के बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन था, तो इसके लिए पूरी कहानी समझिए। दरअसल घटना शाम 4:30 बजे की है। लड़की की मां के मुताबिक बेटी 10वीं की छात्रा थी। दोपहर को वो काम पर गए थे, इस बीच बेटी घर पर अकेली थी। शाम करीब 4:30 बजे जब वो लौटे तो घर से निकलकर एक लड़का भाग रहा था। वो घर पहुंचे तो अंदर फंदे पर बेटी का शव लटक रहा था, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और फंदे से शव को उतारा गया। छात्रा के परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाले ही एक लड़के शाहिद पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। आरोप का आधार ये भी था कि जब वो घर के पास पहुंचे तो उन्होंने आरोपित को भागते हुए देखा था। हालांकि इंदिरानगर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। बताया ये जा रहा है कि छात्रा और शाहिद दोनों ही फोन पर बात किया करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। VK News, राष्ट्र के नाम।